मेरा पेपर का विषय है प्रवासी पंजाबी नारी काव्य परपेख ते पसार। सिर्फ प्रवासी पंजाबी नारी काव्य ही नहीं बल्कि समुची पंजाबी कविता विच पछाण दा मसला सब तो अहम है। मर्द काव्य विच पछाण दा संबंध किते इलाके बोली गोत जात धर्म देश आदि नाल है। प्रवासी पंजाबी पंजाब तो बाहर अपनी बोली ते धर्म तो बगोचा महसूस करता है। खास तौर पर सिख धर्म के बाहरी प्रतीकों की विलक्षणता जिवें पग केस उसनू बेगानी धरती उपर बेगानगी का अहसास कराते हैं। परंतु औरत की पछाण का संकट उसकी लिंगिकता विच वधेरे है। मुढ़ले रूप विच प्रवासी समाज विच उसका वाह जिस मर्द राही मुढ़ले रूप विच प्रवासी समाज नाल औरत का वाह मर्द राही ही पैंदा है। पंजाबी औरत प्रवास मर्द के साथी वजों धारण करती है। इस तरह जिथे पंजाबी मर्द गोरे कोल अपने आप नूं सैकेंडरी मानता है उत्थे औरत दा इस तरह के वर्तारे बारे कोई तजर्बा सामने नहीं पैंदा आउंदा। असीं इह भलीभांत वाकिफ हाँ कि प्रवासी जीवन ने पंजाबी नारी नूं उसदे भारतीय जगीरदारी पितरकी प्रबंध तो मुक्ति दिवाउण विच मदद कीती है। औरत पंजाबी जगीरदारी प्रबंध विच दमित्र सी जिसनों पूंजीवादी खसलत वाले प्रबंध ने बराबरी के मौके प्रदान करवाए। शायद इसलिए नारी काव्य विच पछाण दे संकट का प्रगटावा नस्ली वितकरे वजों नहीं सगों समाज परिवार दे विच होंद अते हस्ती नाल वधेरे संबंधित है। प्रवासी पंजाबी नारी का पछाण का संकट उसके परिवारक प्रबंध विच निहित है। इसलिए मुढ़ली प्रवासी पंजाबी कविता विच जिथे मर्द गुआचे घर की तलाश लई बेबल है उत्थे नारी घर तो मुक्ति का राह तलाश रही है। इत्थे कुछ कविता जिहड़ी मैनूं लगदा कि मैं कोट करन तो बिना चल सकदा कम। औरत ते मर्द लई घर दे अर्थ वक्रे हन। मर्द लई घर तो भाव कामकार धर्म समाज आदि सब कुछ है जबकि औरत लई घर तो भाव पति बच्चे मापे ते रसोई तक सीमित हन। औरत लई होण दा संकट पछमी समाज विच भी पूर्वी समाज वांग बरकरार रहिंदा है। पंजाबी नारी दा वाह जिस मर्द नाल आम करके पैंदा है वह पितरकी सत्ता दा घड़िया होया है। उस मर्द का औरत प्रति व्यवहार पछमी पूंजीवादी समाज वांग बराबरी वाला नहीं बल्कि उसे तो उसके दाबे वाला है जो पंजाब विच सी। पछमी समाज ने पंजाबी नारी नूं बराबरी वाले समाज का सुपना तो दिखा दिता पर उस सुपना हकीकत नहीं बनता। इसलिए प्रवासी नारी का दुखांत ज़्यादा वड्डा है। अगला एक नुकता कि पूंजीवादी प्रबंध ने जिथे औरत नूं बराबरी के मौके दवाए उत्थे उसकी जिंदगी नूं लगातारता विच भी कैद कर दिता। यह वर्तारा बेशक मर्द की जिंदगी उपर भी असरअंदाज हुंदा है परंतु औरत इस वर्तारे की मार विच वक्खरी तरह पिसदी है। जगीरदारी प्रबंध विच लिंगक वखरेवे राही कम की ड्यूटी वंडी हुई सी। मर्द लई कमाउणा ते औरत लई पकाउणा निश्चित सी। इसलिए वंड नाल औरत इस वंड नाल औरत गुलामी तां भोगदी सी पर उस कोल निजी विहल सी अपने लई वक्त सी जिस वक्त विच उह अपनी मैं जां आत्मा दे कोल हो सकदी सी। समकाल विच औरत दी स्थिति बदल चुकी है। पूंजीवादी प्रबंध विच नौकरी की तलाश ने जिथे नारी नूं घर तों आजादी दवाई है उत्थे उसनूं एक रूटीन विच भी बन्न दिता है। औरत लई रूटीन दूरा है। एक पासे उह दफ्तरी कामकार विच वज्जी हुई है दूजे पासे उह घरेलू कम्मां दी जिम्मेवारी भी उस तों दी तवक्को भी उस तों पहलां वांग रखी जांदी है। पूंजीवाद का अपना खासा मुनाफे ते आश्रित है। नौकरी लई औरत नूं मानसिक तौर पर तैयार करके पूंजीवादी प्रबंध अपने हित लई वरत रहा है। उसनूं सस्ता मजदूर चाहिए है। जगीरदारी प्रबंध अद्धी आबादी नूं घर विच कैद रख के कामे लई वध उजरत की तवक्को रखता है। पूंजीवादी प्रबंध का मुढ़ला पड़ा नारी लई आजादी का मौका लेके आता है। औरत कम लई घर तो बाहर निकलते मौके नाल खुशनुमा अहसास नूं माणदी है परंतु यह कम उस लई उदों मुसीबत बन जाता है जदों पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आती है तो छटपटा के नवें राह तलाशती है। यह भी कहा जा सकता है कि मुढ़ली प्रवासी कविता विच जिंदगी ते आजादी का जश्न है जबकि समय नाल इस जिंदगी की तेज़ रफ्तारी एक समस्या बन के उभरती है। यह तेज़ रफ्तारी जिंदगी के मूल सवाल जिंदगी के उदेश उपर ध्यान धरन लई मजबूर करती है। जिथे मुढ़ले काव्य विच नारी जिंदगी का उदेश मर्द की बराबरी वाला समाज सिरजन तक महदूद है उत्थे समय नाल इसके अर्थ मुक्ति की तलाश विच तब्दील हो जाते हैं। एक मुक्ति का यह संकल्प भी पंजाबी धार्मिकता की घाटत का ही नतीजा है। पंजाबी नारी का प्रवास थोड़े समय का है जबकि उसका विचेतन पंजाबी रहतल विच घड़िया गया है। इसलिए नारीवादी दृष्टि तो कई बार नारी कविता नारी के खिलाफ भी भुगतती जापती है। वह अपनी तकलीफ का कारण अपनी आजाद हस्ती होनी का सुपना देखने मनन लगती है परंतु औरत के प्रवास दौरान दुखांत लिए उसके लालची सुपनों कारण मनना सिद्धड़ जिही व्याख्या जापती है। इतने एक कविता है जिसनों मैं थोड़ी जी मैं कोट कर देना। वो किसी मुकाम पर पहुँचने की धुन में पानिया संघ पानी हुंदा होया सागर हो गया तो वह बड़े महल की धुन च शहर के किसी वड्डे मकान की इट बन गई हुण सागर चन्न नूं छोहण आउंदा है तो इट नूं हनेरियां दी कालख।
नारी काव्य है पसार उसके अवचेतन की घाट में पे संस्कारों नाल है। अवचेतन की घाट बारे नारी की बेसमझी भी पितर की सत्ता के दाबे वाली नींह का ही उसार है। प्रवास धारण करने वाली पहली पीढ़ी की घाट पंजाब हुई है। इस घाट में पितर की सत्ता हमेशा हाजिर रही और इसकी शिकार भी औरत ज़्यादा होंदी रही। प्रवासी पंजाबी नारी दे अपने मन विच भी सियाणी कुड़ी का चिन्ह तो पंजाबी समाज की पैदावार है। पछमी समाज ने इस चिन्हकता प्रभावित करदिया प्रवासी पंजाबी नारी कविता द्वंद्व विच पा दिता है। नारी काव्य विसात्मक संघर्ष दौरान अपने आप को डिफेंड करता नजर आता है। एक पासे उसके मन में औरत का उत्कृष्ट रूप सादगी वाला है, दूजे पासे नारी अस्तित्व का सवाल है। हरेक नारी लई पछमी कीमत प्रबंध में ही उत्तम मनण की शर्त बेशक जरूरी नहीं, पर नारीवादी जो चिंतन असी जिसनों कहने जो नारीवादी चिंतन सानू जो नज़रिया दिंदा उसनों उत्तम मनण की, पर यह तनाव विच्चों प्रवासी नारी के संघर्ष के अहम नुक्ते दृष्टिगोचर होंदे हन। प्रवासी समाज जिस तरीके लिंगक दमन के विरुद्ध औरत को समर्थ बनाने की कोशिश करता है, आवासी पितर की सत्ता का अवचेतन बद ताकत नाल समाजिक ताने बाने नूं पहलां वांग कायम रखने की कोशिश करता है। यह संघर्ष प्रवासी काव्य दे विच मुढ़ तों शामिल है, पर 21वीं सदी दे दी कविता विच इस दवंद बद जोरदार तरीके नाल पेश हुंदा है। शायद इसका कारण यह हो कि पछमी पूंजीवाद सामने पंजाबी जगीरदारी पितर की सत्ता हार रही है, तो हारन तो पहला वह आखिरी हंबला वध ताकत नाल मार रही है। जब सब धिरां इस सच का यकीन होने लगता है कि इस संघर्ष में जगीरदारी प्रबंध ने पूंजीवादी प्रबंध अगे हार जाना है, तो स्थिति बदल लग जाती है। 21वीं सदी में प्रवासी पंजाबी नारी काव्य बहुत अहम पसार ग्रहण करता है। कविता दे इस दौर में प्रवास में जगीरदारी मर्द होंद टुट चुकी है। इस टुट चुकी होमे प्रति नारी काव्य का नज़रिया बहुत अहम है। इतने मैं कविता कोट करना चाहाँगा कि जिंदा पलों की तलाश गुमसुम गुआचे गुआचे जर्द मुस्काना विदेश च जिंदगी लभण आए तेज चाल च फिक्रमंदी तुरले वाली पग दे वारिस नीवी पा तुरदे चुप दी वरेस हंडाउंदे धुर अंदरों मरके खौरे की बचाउंदे ये मुंडे। इस बदलते हालात में यह दृष्टिकोण दृष्टिकोण तो हारे हुए दुश्मन उपर जश्न मनाउण दा हो सकता है, क्योंकि औरत सदियों तो पंजाबी पितर की सत्ता की पीड़ित रही है। जागरूक नारी इस पीड़ित के इतिहास ते मर्द दे उद्देशों नूं समझदी है, पर जदों हालात ने करवट ली है तो एक मौका है कि उस बदलाव का जश्न मनाउंदिया मर्द नूं नाल शामिल करे जां उस उपर हसे। नारी कविता पहला रस्ता चुनदी है, इहो उसकी प्राप्ति है। इस तरह भी जाप सकता कि औरत फिर उसे पितर की सत्ता की घाट जिसने उसनू मलूक ते संवेदनशील साबित करना है दी शिकार हो गई है। एक खदशा होर बढ़ जाता है जदों बुजुर्ग हो चुकी पीढ़ी अगली पीढ़ी तो दे मर्द तो सहयोग की आस करती है। औरत की इस अवस्था दो तरीके नाल समझा जा सकता है। एक तो यह कि औरत अपनी मुक्ति का राह फिर मर्द की ताकत विचों तलाशती है, चाहे वह पुत्र के रूप में होवे, पर दूजे पासे इस लिंगिक दाबे तो मुक्ति के पसार वजों देखा जा सकता है। नारीवाद का मूल सिद्धांत भी पितर की प्रबंध की काणी वंड के मुकाबले बराबरी का समाज सिरजदा है। इस सिद्धांत का उद्देश मर्द उपर औरत की सत्ता स्थापित करना नहीं है, औरत की मर्द उपर सत्ता फिर किसी अजिहे समाज में जन्म देवेगी जो गैर बराबरी वाला होगा, परंतु नारी काव्य का मर्द को बराबरी वाली धिर बना के पितर की सत्ता खिलाफ लड़ना प्रवासी पंजाबी कविता का अहम पसार बनता है। पंजाबी सभ्याचार विच औरत मर्द की कम वंड ने एक लकीर खिंची हुई सी। इस लकीर विच औरत का शरीरक पक्षों माड़े होना उसकी कमजोरी मनिया जा रहा है। प्रवासी कविता किते किते इस कमजोरी नूं ताकत वजों पेश करती है। सुरेंद्र कौर की कविता मैं इत्थे कोट कीती है जिहनूं मैं छड्ड रहा। ब्याह संस्था अपनी औद हंडा के नवा रूप लैण की तैयारी विच है। पछमी पूंजीवादी प्रबंध ने हरेक जी नूं जिस आजादी का सुपना दिखाया है उस विचों ब्याह ते इस नाल संबंधित जिम्मेदारियां मनफी हैं। समकाली प्रवासी पंजाबी नारी कविता की ब्याह प्रबंध प्रति दृष्टि इसे धारणा का प्रगटावा है। बराबर का काम करने वाली नारी लई ब्याह संस्था नूं बचा के रखने लई पैर पैर ते अपने सुपनों की कुरबानी देनी पैंदी है। जागरूक कवित्री इस प्रबंध दीआं खामियां उपर उंगल धरदी है। ब्याह प्रबंध प्रति इह दृष्टि पछमी नारीवाद की पैदाइश है, जो कि पंजाबी नज़रिए तो वक्री है। पंजाब का जगीरू या अर्ध जगीरू प्रबंध ब्याह संस्था नूं नारी दे पेके परिवार तो विछोड़े वजों चितवदा है। पंजाबी लोक गीत परंपरा इसे वेदना नूं बयान करती है, जिस विच औरत दे एक धरती तो दूजे धरती उपर जाण दा दर्द है, पर यह पीड़ उस तरह की गुलामी का अहसास नहीं कराती जिस तरह की दृष्टि समकाली पछमी चिंतन पैदा करता है। पंजाबी समाज की परंपरा ब्याह प्रबंध नूं विकास वजों ही ग्रहण करता है। यह औरत दे एक घर तो दूजे घर दे जाण नूं सहज वरतारे वजों लैंदा है। यह पसार प्रवास नाल संबंधित पंजाबी की प्रसिद्ध कवित्री सुरेंद्र कौर शहरी विच बार बार पेश हुंदा है। जद मैं तेरे घर आई हर कमरे हर कोने तेरी कोई ना कोई याद सी, तू चा नाल थावां दिखाउंदा रहा, मां भैण भरा उन्हां दे बच्चे किन्ना कुछ सी तेरे कोल, मेरे कोल सब कुछ नवां ते उपरा, एक गल तो घबरा के मैं वेहड़े बन्नी कट्टी नूं पलूसण लगी, वह बूथी चक जद मेरा हथ चटदी तां लगदा कट्टी मैनूं जाणदी है, कुछ भी उपरा नहीं।
सुरिंदर कौर जी इस कविता दे इस पक्ष नूं उसकी निजी जिंदगी दे वेरव्या तक घटा के एक अपवाद वजो अणगौलिया किया जा सकता है। मैं इतने एक थोड़ा जा उन्होंने ऐड करना चाहता सी पर असी कि सुरिंदर कौर उन्होंने असं निजी तौर पर जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह की घाट या जिस तरह के समा परिवार के है वो इस तरह की जो एक याद है अपने बचपन की उस तरीके की आँदी है। असी इस इतने मैं छड़ना क्योंकि थोड़ा जा दूसरी साइड से चला जाएगा कम। पर असल में प्रवासी नारी काव्य का यह पसार औरत मर्द के रिश्ते एक दूजे के पूरक वजों पेश करता नज़र आता है। इस दृष्टि तो नारी काव्य गहराई ग्रहण कर लगता है तो नारीवाद पछमी पूंजीवाद विचों नहीं बल्कि पंजाबी रहतल विचों अपने नक्श तलाशण के आहर विच है। इस विच रमज है, इस विच सहज वर्तारिया पिछली साजिश की उधेड़बुण है। प्रवासी पंजाबी नारी काव्य विच नारी मसले बेशक संजीदगी ग्रहण करते नज़र आते हैं परंतु यह भी सच है कि पंजाब के बाकी मसले जिवें बेरोजगारी नशे खेती संकट आदि दुखांत प्रवासी पंजाबी नारी काव्य विच वड्डी थां नहीं ग्रहण करते। नारीवादी पढ़त नारी कविता इस मामले लई दोष मुक्त भी करती है परंतु फिर भी धर्म खास तौर पर सिख धर्म प्रवासी कविता विच अपने समकाली सरोकारां दे हवाले नाल थां ग्रहण करता है। सिख धर्म का परंपरागत स्वरूप ते समकाली तर्क सिद्धांत आपस विच टकराउंदे हन। इसे तर्क नाल प्रवासी नारी काव्य द्वारा पंजाब के खास तौर पर 1984 दुखांत को समझने की कोशिश की जाती है। एक कविता मैं कोट को छड़दा कि यह तर्क पंजाब नाल संबंधित किसी दुखांत के कारण नतीजों या संभावनावां की निशानदेही करने की थान एक भावुक प्रति उदर सिरजदा है। यह भावुकता वड्डी मात्रा में पंजाबी कविता को प्रभावित करती हुई चिंतन के राह जाने रोक लैंदी है। इस भावुकता का असर नारी काव्य की भाषा चिन्ह प्रतीकों उपर भी पैंदा है। प्रवासी नारी काव्य के अहम पसार वजों बुजुर्ग पीढ़ी का दुखांत सामने आता है। समकाली जिंदगी की तेज़ रफ्तार जिंदगी ने ब्याह संस्था को सट मारी है जिवें असीं पहलां कोट कर चुके हैं। परिवारक मैंबरां की जिंदगी विच वक्त की घाट विचों बुजुर्ग अणदेखी का शिकार हो रहे हैं। यह दुखांत प्रवासी जीवन में ज़्यादा अग्रभूमित हुंदा है हालांकि इस विच ज़्यादा योगदान पूंजीवादी प्रबंध की नौकरी पेशा जिंदगी का है जो कि पंजाब विच भी उसे तरह जारी है। जदों बुजुर्ग पीढ़ी इस एकलता नूं हंडा रही हुंदी है तो प्रवासी नारी कविता इस वर्तारे बारे ज़्यादा सजग नज़र पैंदी है। एक तो वह माँ बाप नाल भावुकता दे रिश्ते विच बज्जी हुई है, दूसरा वह अपनी थां घर दे उसे कोने विच निश्चित देख रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग सारी प्रवासी कविता भविख विच अपनी अगली पीढ़ी तो पूंजीवाद तो पूर्वले प्रबंध वांग व्यवहार की तवक्को रखती है जो कि संभव नहीं जापदा। इसलिए उस विच निराशा की सुर होर तखेरी होने की संभावना बनी रहती है। अपनी गल नूं समाप्त करदे हां असीं आख सकते हैं कि प्रवासी नारी काव्य अपने आरंभ तो विकास करके बहुत वक्रे पसार ग्रहण करता है। यह दौर वो बहुत सारिया हद्दों तोड़ रहा है, बहुत सारिया नवी हद्दा घट रहा है। प्रवासी पंजाबी नारी कविता इस नाल संघर्ष करद इस दिशा भी दे रही है तो खुद भी प्रभावित हो रही है। शुक्रिया।